हेलो फ्रेंड्स, शिल्पा के देसी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आलू दम। हम शादी और पार्टियों में खाते हैं, जो बहुत ही थिक ग्रेवी रहती है और बहुत टेस्टी रहती है, तो वो सब्जी हम लोगों को बहुत पसंद आती है। आज हम उसी को घर में बनाने जा रहे हैं और बहुत ही यमी और टेस्टी सब्जी है ये, तो आप लोग इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। चलो हम देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग आलू दम, जिसको शाही आलू दम बोलना चाहिए, बहुत ही टेस्टी। तो हम चालू करते हैं आलू दम को बनाना, और उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। ये बॉइल्ड आलू है, जिसको मैंने कम से कम 5-6 सीटी ले ली है धीमी आंच पे, जो बहुत अच्छे से कुक भी होने चाहिए और साबुत भी रहने चाहिए। उसके लिए मैंने इसे नमक डालकर बॉइल किया था। और हमारे बेसिक मसाले, और ये है पिसी हुई प्याज, अदरक मिर्ची का पेस्ट जो मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, हर 4 दिन में इसको पीस कर घर में रख लेती हूँ। और फ्रीज़र में रखने से इसका ना ही कलर चेंज होता है और ना ही कोई टेस्ट में चेंज आता है। तो आप ये भी तैयारी हमेशा रखिए घर में कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए हम आसानी से इसको यूज़ कर सके। ये पीसे हुए टमाटर है, एकदम महीन पीसना है। ये दही और दूध की मलाई है, गाढ़ा दही है और मलाई है, दोनों को मैंने हाफ हाफ लिया है। ये हम आलू दम में लास्ट में डालेंगे। गरम मसाला गार्निशिंग के लिए धनिया, अभी हरी लहसुन मिल रही है मार्केट में तो थोड़ी सी मैंने वो भी ली है। ये कसूरी मेथी है और ऑयल। हम स्टार्ट करते हैं शाही आलू दम को बनाना। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, जिसमें हम थोड़ा सा आलू को शैलो फ्राई बोलना चाहिए, आप ये स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ऑयली आलू नहीं चाहिए तो, पर इसमें बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे ये आलू। बस इसे थोड़ा सा हम एक बार ऑयल में डालकर निकाल लेने से उसके टेस्ट में बहुत, जो बोलते हैं ना, शाही टेस्ट आ जाता है, इसलिए रिच लुक देने के लिए मैं थोड़ा सा, तो आलू को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। रिच लुक देने के लिए थोड़ा सा फ्राई करना ज़रूरी है, और इसको आपको फ्राई करना है तो ऑयल को थोड़ा अच्छा गर्म होने दीजिए, जिससे आलू बहुत ही जल्दी कलर चेंज हो जाएगा, तो तेल को अच्छा गर्म होने देना है। आलू दम के लिए ना आलू कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे हो, अगर आलू बड़े हैं तो थोड़े से आप इसको 1/2 कर दीजिए, वरना छोटे छोटे आलू अगर हैं तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़े से आलू बड़े हैं तो उसको 1/2 कर देती हूँ। बस थोड़े से फ्राई करके हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए आलू का कलर चेंज हो गया, बढ़िया गोल्डन कलर के हो गए ये आलू। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती ये। देखिए ये आलू बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहे हैं, बस हमने इसे फास्ट ऑयल में डालकर एक बार निकाल लिया, जिससे बहुत ही शाइनिंग भी आ जाती है आलू में और एक रिच लुक आ जाता है उस आलू में। आलू को फ्राई करने के बाद उसी ऑयल को मैंने ले लिया है, उसमें से ऑयल निकाल लिया। अब इतना ऑयल मैं इसके लिए ले रही हूँ। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा और अदरक मिर्ची का पेस्ट। अब हम इसमें डाल देंगे ये हरा वाला लहसुन और प्याज। सबसे पहले ये जो मैंने बहुत ही महीन पीस के रखी है, ये प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है, बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए प्याज का। इसे अच्छे से पकने दीजिए, जब तक पूरा ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है हमें प्याज को भूनना है। ये काजू का पेस्ट है, जिसे मैंने काजू को कम से कम 15 मिनट पहले भिगा दिया था पानी में, और इसे एकदम महीन पीस लिया है। इसको हम अब ऐड करेंगे प्याज के साथ, जिसका बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा काजू का, बहुत टेस्टी बन जाएगी। ये कम से कम 8-10 आलू थे, ये 8-10 काजू थे और ये 8 आलू थे। ऑयल रिलीज होने लगा है ऑनियन की ग्रेवी से। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये काजू, जो मैंने बहुत महीन पीसा है। देखिए ये काजू डालने के बाद ही इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है, और इतनी ग्रेवी, सिर्फ 2 प्याज और 2 टमाटर की ग्रेवी थी मेरी। बड़े टमाटर है तो 2 और छोटे हैं अगर तो 3-4 ले लीजिए आप,
और दो ही प्याज लिए थे मैंने बड़े वाले, और 7-8 आलू का क्वांटिटी, मैं आज 7-8 आलू के क्वांटिटी की सब्जी बता रही हूँ आपको। आप अगर चाहो तो सब्जी को बढ़ा लीजिए, फिर थोड़ी थोड़ी सब चीज को बढ़ा लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि कितना शाही ग्रेवी है अभी से दिख रहा है, और इतना अमेजिंग खुशबू आ रही है इस ग्रेवी की। आप इस सब्जी को अगर खाएंगे तो 100% आलू दम हमेशा बनाएंगे, और बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे आई होप। आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी कितनी ट्रांसपेरेंट हो गई है और कढ़ाई को छोड़ने लगी है काजू और ओनियन की। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं टमाटर। अब टमाटर के साथ हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार मसाले लीजिए आप, जितना आपके घर में खाते हैं, तीखा, नमक, धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। बढ़िया, ये गाढ़ी ग्रेवी ऑलरेडी हो रही है काजू से, 8-10 काजू में ही इसकी ग्रेवी इतनी गाढ़ी हो रही है बढ़िया। और ये थोड़ी सी हल्दी, और ये हमारा गरम मसाला, बस इतनी ही चीज़ों में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अब हम इसे ढककर रख देते हैं, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत उड़ती है, इसे अगर ढककर रख दो तो ये बहुत जल्दी कुक भी हो जाती है, ऑयल भी बहुत जल्दी रिलीज होने लग जाता है, और ये धीमी धीमी अच्छे से बहुत कुक भी अच्छे से हो जाएगी। देखिए इसे ढककर रखने से कितने जल्दी ऑयल रिलीज हो गया है, आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऑयल भी मैंने नहीं डाला था इस ग्रेवी में, उसके बावजूद भी कितना बढ़िया ऑयल रिलीज़ हो गया है, और ग्रेवी का कलर और टेक्सचर्स आप देख सकते हैं, 7-8 काजू में ही ये कितनी बढ़िया ग्रेवी बन गई है, एकदम हमारी थिक ग्रेवी। अब हम इसमें एक एक करके ये सारे आलू को ऐड कर देंगे, ग्रेवी में भी थोड़ी देर पकने देंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाएगा, पूरी अंदर तक ग्रेवी स्प्रेड होएगी, इसमें अच्छे से इंटर होएगी ग्रेवी। और हमने आलू में भी नमक डाल के बॉईल किया था, इसलिए आलू ऑलरेडी सॉल्टी है, तो आलू में भी टेस्ट आएगा बहुत अच्छा। और अब हम इसमें देख सकते हैं आप इसका कलर टेक्सचर, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, और ये मलाई और दही, ये मलाई और दही को बहुत अच्छे से फेट कर लिया है मैंने, और इसको ना आधा आधा लिया है, थोड़ा सा 2 चम्मच दही और 2 चम्मच मलाई। आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादातर घर की मलाई यूज़ करती हूँ, बाहर का बटर वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। मलाई डालने के बाद हम ऐड करेंगे ये थोड़ा सा पानी, क्योंकि ग्रेवी काजू की है तो बहुत गाढ़ी होने वाली है, तो अब इसे हमें थोड़ा सा पानी डाल के बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये डाल दिया मैंने कसूरी मेथी, इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट धीमा धीमा पकने देते हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना शाही कलर आया है, और अब हम इसे पकने देते हैं अच्छे से 2 मिनट तक धीमा धीमा। आलू हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड है, लेकिन ग्रेवी का एक अच्छा कलर आ जाए और आलू में अच्छे से मिक्स हो, उसके लिए हम ढककर इसे 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं। आलू दम हमारा बनकर एकदम रेडी हो गया है, मैंने इसे कम से कम 3-4 मिनट तक धीमा धीमा पकने दिया। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी का टेक्सचर, इसका कलर कितना बढ़िया आया है। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। अगर रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए तो अच्छा लगता है। और इस रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा कितनी इंस्टेंट और कितनी जल्दी बन गया ये हमारा शाही आलू दम। तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।